क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर एक बड़ा ही खतरनाक ग्लिच काम कर रहा है, जिसमें हम लोग कोई भी आइटम को डुप्लीकेट कर सकते हैं। या फिर क्या ये पता है माइनक्राफ्ट के अंदर फायर एस्पेक्ट का एक और यूज देखने को मिला है? और बताओ कैसे हो, तो माइनक्राफ्ट के अंदर एक और ब्रांड न्यू स्नैपशॉट आ चुका है और उसके अंदर अपने को बहुत सारा चेंजेस देखने को मिला है। सारा का सारा डिटेल में बात करेंगे, तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं अपना पहले नंबर की फीचर के ऊपर जो कि आ रहा है सीधे फायर एस्पेक्ट से। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर हम लोग फायर एस्पेक्ट वाले स्वॉर्ड के मदद से कैंडल और कैंप फायर को जला सकते हैं। लेकिन मजे की बात ये है, ये वाला फीचर अभी जावा एडिशन के अंदर भी आ चुका है। जी हाँ, अभी बड़े आराम से फायर एस्पेक्ट वाले स्वॉर्ड के मदद से हम लोग कैंडल को जला सकते हैं और तो और कैंप फायर को भी जला सकते हैं। बताओ यार, जावा वर्सेस बेडरॉक का कंटेंट खत्म हो रहा है फिर तो। लेकिन जावा एडिशन में फायर एस्पेक्ट वाले स्वॉर्ड के मदद से हम लोग टीएनटी को नहीं जला सकते, जबकि बेडरॉक एडिशन के अंदर हम लोग वो कर सकते। खैर साइड से निकल लेते और चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि भाई ओमिनस बोटल। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर ओमिनस बोटल का टोटल 5 लेवल देखने को मिलता है, लेकिन ये 5 लेवल किस काम में आता है वो अभी तक क्लियर नहीं था, लेकिन इस वाले अपडेट के अंदर वो भी पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है। बेसिकली ओमिनस बोटल का ये जो लेवल है वो डिसाइड करेगा हमें जो ट्रायल ओमेन वाला इफेक्ट मिलेगा वो कितनी देर तक रहेगा। मतलब सिंपल है भाई, अगर हम लोग लेवल 1 का ओमिनस बोटल पिएंगे तो अपने को जो ट्रायल ओमेन वाला इफेक्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए रहेगा। लेकिन वही पे अगर हम लोग लेवल 2 का पोशन पिएंगे तो ट्रायल ओमेन इफेक्ट भाई आधे घंटे के लिए रहेगा, और अगर हम लोग सबसे ज्यादा लेवल 5 का पोशन पिएंगे तो अपने को टोटल 1 घंटा और 15 मिनट का ट्रायल ओमेन इफेक्ट मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा लेवल का ओमिनस बोटल हम लोग पिएंगे उतना ही ज्यादा टाइम का अपने को ट्रायल ओमेन इफेक्ट मिलेगा। लेकिन दुख की बात यह है, ये जो ओमिनस बोटल का लेवल है इसके साथ रेड का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब अगर हम लोग लेवल 1 का पिएंगे तब भी सेम रेड होगा, और अगर लेवल 5 का पिएंगे तब भी सेम रेड होगा। बताओ यार, ये तो गलत है भाई, लेवल 5 का पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। खैर माइनक्राफ्ट के 1.21 के ब्रांड न्यू मेनू बैकग्राउंड भी ऐड हो चुका है, और माइनक्राफ्ट के 1.21 का नाम होने वाला है भाई ट्रिकी ट्रायल्स अपडेट। चलो जी भैया निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि भाई ओमिनस ट्रायल स्पॉनर। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर ओमिनस ट्रायल स्पॉनर से जो भी मॉब निकलता है वो भाई अच्छा खासा आर्मर पहन के निकलता है, लेकिन बहुत सारा ऐसा मॉब भी है जो लोग आर्मर पहन ही नहीं सकते, जैसे कि ब्रीज, केव स्पाइडर, स्लाइम, उनका क्या। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जो भी मॉब्स आर्मर नहीं पहन सकता है वो अभी ओमिनस ट्रायल स्पॉनर से डबल स्पॉन होने वाला है। जैसे कि पहले ओमिनस ट्रायल स्पॉनर एक बारी में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्रीज को स्पॉन करता था, लेकिन अभी वो डबल हो चुका है, मतलब 4 ब्रीज को स्पॉन करेगा। केव स्पाइडर जैसे मॉब का तो भाई गिनती भूल जाओगे, इतना धराधर स्पॉन होगा। खैर लेट्स गो, निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि भाई ट्रायल चेंबर। जी हाँ बिल्कुल, एक बारी फिर से ट्रायल चेंबर का डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो चुका है। बेसिकली ट्रायल चेंबर के अंदर एंट्री वाला जो पेड़ वाला रूम था उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। ट्री वाले रूम के अंदर ओक ट्री के जगह पे अभी अपने को मैनग्रोव ट्री भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, मैनग्रोव ट्री इतना छोटा होता है? जितना मेरे को पता है नेचुरली इतना छोटा मैनग्रोव ट्री बनता ही नहीं है भाई। मैनग्रोव ट्री नॉर्मली बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। मेरे को ऐसा लगता है ये वाला ट्री काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल चेंबर के अंदर ही मिलेगा। खैर मैनग्रोव ट्री के साथ साथ अपने को कैक्टस भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, ओक ट्री के जगह पे अपने को एक कैक्टस और डेड बूस भी देखने को मिलेगा। लेकिन मजे की बात ये है, ये चीज बिल्कुल ही रैंडम तरीके से काम करने वाला है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि डेजर्ट बायोम के नीचे ही अपने को कैक्टस रूम मिलेगा या फिर स्वयं बायोम के नीचे ही अपने को मैनग्रोव ट्री देखने को मिलेगा। और तो और यही पे खत्म नहीं होता है, ये ट्री वाले रूम के जगह पे अभी कुछ स्टेयर वाला ऐसा रूम भी देखने को मिलेगा, और तो और बिल्कुल ही अलग डिजाइन वाला ट्री रूम भी अपने को देखने को मिलेगा। देखो ऐसे ही अलग लेवल के इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब या
यार वो नहीं कर रहे हो तुम लोग, सब्सक्राइब भी कर दो यार। खैर ऊपर से निकल लेते और चलते अपना नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर, जो कि भाई नॉक बैग। माइनक्राफ्ट के अंदर नॉक बैग में भी थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। पहले जब भाई डिस्पेंसर से कोई भी प्रोजेक्टाइल निकलता था तब भाई नॉक बैग नहीं मिलता था। मतलब अगर हम लोग किसी भी मॉब के ऊपर डिस्पेंसर के मदद से स्नोबॉल से या फिर एग से हमला करते तो उस मॉब को बिल्कुल भी नॉक बैग नहीं मिलता था। लेकिन ये चीज पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अभी अगर हम लोग डिस्पेंसर के मदद से किसी भी मॉब के ऊपर प्रोजेक्टाइल से हमला करते हैं तो उस मॉब को नॉक बैग मिलता है। खैर माइनक्राफ्ट के इस वाले स्नैपशॉट के अंदर बेडरॉक एडिशन की तरह 20 पेंटिंग एंड 3 म्यूजिक डिस्क भी ऐड हुआ है। चलो जी भैया लेट्स गो, निकल लेते हैं सबसे बड़ा वाला फीचर के ऊपर, जो कि है भाई मेस। देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कैसे बेडरॉक एडिशन के अंदर मेस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन वो तो बस शुरुआत था। इस वाले स्नैपशॉट के अंदर मेस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। जो लोग सोच रहे थे स्वॉर्ड के जगह पे हम लोग मेस का इस्तेमाल करने वाले, भाई भूल के भी मत करियो, बहुत ही गंदा पिट जाओगे। बेडरॉक एडिशन की तरह इस वाले स्नैपशॉट के अंदर मेस का पावर तो कम हो ही चुका है, लेकिन उसी के साथ साथ मेस का स्पीड भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। मजे की बात ये है, मेस अभी माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे स्लो हथियार बन चुका है। मेस का अटैक स्पीड पहले भाई स्वॉर्ड के जैसा 1.6 हुआ करता था, लेकिन वो घट के सिर्फ और सिर्फ 0.5 हो चुका है। बिल्कुल अभी मेस को रेडी होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। एक बार मारने के बाद मेस को चार्ज होने में बहुत टाइम लग जाता है। भाई इतने टाइम में तो सामने वाला बंदा दो बार मार के चला जाएगा। और दौर तुम लोग मानोगे नहीं, वुडन एक्स का अटैक स्पीड मेस से ज्यादा है, 0.8 है उसका अटैक स्पीड। लेकिन यही पे खत्म नहीं होता है, मेस से फायर एस्पेक्ट एंचेंटमेंट को निकाल दिया गया है। मतलब अभी हम लोग मेस के अंदर फायर एस्पेक्ट को नहीं डाल सकते। बताओ यार ये क्या बात हुआ भाई, फायर एस्पेक्ट तो अच्छा था, उसको क्यों निकाला। लेकिन खैर फायर एस्पेक्ट के ऊपर एक और चेंज देखने को मिला है। बेसिकली अभी माइनक्राफ्ट के अंदर स्वॉर्ड के स्वीपिंग के ऊपर भी फायर एस्पेक्ट काम करने वाला है। मतलब अगर हम लोग स्वॉर्ड के मदद से मल्टीपल मॉब के ऊपर हमला करेंगे तो सारा का सारा मॉब के ऊपर आग लग जाएगा। कुछ भी कहो ये वाला फीचर तो बढ़िया है। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है, माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट स्नैपशॉट के अंदर एक बहुत ही भयंकर डुप्लीकेशन ग्लिच काम कर रहा है। और तो और इससे आसान डुप्लीकेशन ग्लिच हो ही नहीं सकता भाई। अपने को क्या करना है, बहुत सिंपल है, अपने को बस एक ब्लॉक लेना है, जैसे कि डायमंड के ब्लॉक। उसके बाद डायमंड के ब्लॉक को प्लेयर के क्राफ्टिंग सेक्शन में लेके आना है। अभी अगर हम लोग इस डायमंड ब्लॉक से 9 डायमंड निकाल लेंगे तब भी डायमंड के ब्लॉक यूज नहीं होगा। जी हाँ, जितने बार हम लोग डायमंड के ब्लॉक प्लेस करेंगे उतने बार हम लोग 9 डायमंड निकाल सकते हैं। ले ओ, कर लो बात भाई, अनलिमिटेड डायमंड मिल रहा है। लेकिन मजे की बात यह है, ये वाला ग्लिच सिर्फ और सिर्फ ये 3 क्राफ्टिंग सेक्शन में काम करेगा। अगर हम लोग ऊपर वाले क्राफ्टिंग सेक्शन में ब्लॉक रखेंगे तो ब्लॉक भाई यूज हो जाएगा। तो चलो जो है आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। माइनक्राफ्ट के अपडेट के ऐसे वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।